दोस्तों पिछले कुछ समय में साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने इतनी तेजी से तरक्की की है कि अब साउथ मूवीज सिर्फ साउथ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे भारत में ही पसंद की जाने लगी है। और समांथा अकिनेनी इस फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके फैंस आज पूरे भारत में मौजूद हैं। और यही वजह है कि समांथा को आज साउथ इंडियन सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में भी शुमार किया जाता है और लोग उनको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं कि उनकी एक झलक पाने के लिए भी सिनेमा हॉल तक खींचे चले जाते हैं। वैसे आज भले ही समांथा कामयाबी की बुलंदियों को छू रही हैं लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली इस सिंपल सी लड़की के इस मुकाम तक पहुंचने का यह सफ़र काफ़ी मुश्किलों और मुसीबतों से भरा हुआ रहा है। और इसीलिए आज की हमारी इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपको समांथा के इसी मुश्किल फिल्मी सफ़र और उनके स्ट्रगल की पूरी कहानी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अब इस मज़ेदार वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस समय की अगर बात करें तो समांथा आज तमिल और तेलुगु दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में एक टॉप एक्ट्रेसेस के तौर पर जानी जाती हैं और वह एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनकी एक्टिंग से ज़्यादा लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने हैं। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि समांथा को एक्टिंग करनी नहीं आती बल्कि उनकी एक्टिंग स्किल्स तो इतनी ज़बरदस्त है कि वह अपनी शानदार एक्टिंग से अपने हर एक किरदार के अंदर जान डाल देती हैं। और यह इनकी बेहतरीन एक्टिंग का ही नतीजा है कि वह कई अलग अलग अवार्ड जीतने के साथ ही 4 फिल्मफेयर अवार्ड्स भी अपने नाम कर चुकी हैं। समांथा के एक्टिंग करियर की शुरुआत तो साल 2010 में हुई थी लेकिन इससे पहले उन्हें अपने करियर में काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। दरअसल समांथा का जन्म 28 अप्रैल 1987 को तमिलनाडु के चेन्नई शहर में हुआ था और उनके पिता का नाम जोसेफ प्रभु है जो कि तेलुगु ऑरिजिन से आते हैं जबकि उनकी माँ का नाम नीनेत्ती है और वह मलयाली ऑरिजिन से ताल्लुक रखती हैं। माता पिता के अलावा उनके परिवार में उनके दो बड़े भाई जॉनथन और डेविड भी हैं, यानी कि समांथा अपने परिवार में सबसे छोटी हैं। और अपने माता पिता के अलग अलग रीजनल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने के बावजूद भी वह खुद को एक तमिलियन मानती हैं। समांथा का शुरुआती जीवन अपने ननिहाल यानी कि केरला के अल्पुझा में गुजरा लेकिन थोड़े समय यहाँ रहने के बाद ही उनका परिवार चेन्नई के पल्लावरम में शिफ्ट हो गया। और दोस्तों उस समय समांथा की फैमिली लोअर मिडिल क्लास हुआ करती थी और उनका फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं था। खुद समांथा ने भी यह कभी नहीं सोचा था कि वह आगे चलकर इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन जाएंगी। उनकी शुरुआती पढ़ाई चेन्नई के हॉली एंजल्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल में हुई थी और स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने चेन्नई के ही स्टेला मैरिज कॉलेज में कॉमर्स के अंदर डिग्री हासिल करने के लिए एडमिशन ले लिया था। समांथा शुरुआत से ही एक ब्राइट स्टूडेंट रही थी और उनका नाम स्कूल और कॉलेज दोनों ही जगहों पर टॉप में रहता था और उन्हें उम्मीद थी कि डिग्री हासिल करने के बाद उन्हें कोई ना कोई नौकरी तो जरूर ही मिल जाएगी और इस तरह नौकरी करके वह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगी। हालांकि उनके कॉलेज की पढ़ाई अभी पूरी हुई भी नहीं थी कि उनकी फैमिली की आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा खराब होने लगी और यहाँ समांथा चाह कर भी अपनी फैमिली की फाइनेंशियल तौर पर मदद नहीं कर पा रही थी। और फिर एक दिन बातों बातों में ही उनके किसी फ्रेंड ने सुझाव दिया कि उन्हें मॉडलिंग के अंदर ट्राई करना चाहिए और चूँकि परिवार की स्थिति काफ़ी नाजुक थी इसलिए समांथा ने अपनी फ्रेंड की बात मानकर मॉडलिंग करने का मन बना लिया। और फिर कुछ ट्रायल्स और छोटे मोटे फोटोशूट होने के बाद से उन्हें काम मिलना भी शुरू हो गया। ये साल 2005 के आसपास की बात थी जब उनके मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई थी। उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था और उस दौरान उन्होंने कई छोटे मोटे ब्रांड्स के लिए भी मॉडलिंग की थी। और फिर कुछ इसी तरह से एक बार समांथा नायडू हॉल नाम के एक लिंगरी ब्रांड के लिए फोटोशूट करवा रही थी तभी फेमस फिल्म मेकर रवि बर्मन की नज़र उन पर पड़ गई। दरअसल उस समय रवि बर्मन एक सिनेमेटोग्राफर के तौर पर काम किया करते थे लेकिन काफ़ी समय से वह डायरेक्शन के क्षेत्र में भी डेब्यू करना चाह रहे थे और अपनी इस पहली फिल्म के लिए उन्हें एक नई एक्ट्रेस की तलाश थी। और जब उन्होंने समांथा को मॉडलिंग करते हुए देखा तो वह उनसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए और उन्होंने तुरंत ही समांथा को फिल्म ऑफर कर डाली। अब चूंकि समांथा इस फील्ड में नई थी और उनके लिए इस तरह सामने से फिल्म का ऑफर आना किसी ख्वाब से कम नहीं था और इसीलिए उन्होंने तुरंत ही मास्कोविन कावेरी नाम की इस फिल्म को साइन कर दिया और इस तरह से उनका करियर मॉडलिंग से एक्टिंग की तरफ डाइवर्ट हो गया। अब यूँ तो इस फिल्म की शूटिंग साल 2007 में ही शुरू हो गई थी लेकिन बजट के प्रॉब्लम्स के चलते इसको कंप्लीट होने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया। और इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के फेमस डायरेक्टर गौतम मेनन की नज़र समांथा पर पड़ी और वह भी उनकी एक्टिंग से काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने समांथा को अपनी अगली फिल्म ये माया चेसावे ऑफर कर दी।
सामांथा ने भी बिना देर किए हुए तुरंत इस फिल्म को साइन कर दिया और इस तरह से अपना एक्टिंग डेब्यू करने से पहले ही सामांथा को दो फिल्में मिल चुकी थी। इस दूसरी फिल्म में उनके साथ नागा चैतन्य मुख्य भूमिका में थे और यह नागा चैतन्य के भी करियर की दूसरी ही फिल्म थी। और चूंकि यह एक तेलुगु फिल्म थी और उस समय सामांथा तेलुगु भाषा अच्छी तरह से बोलना नहीं जानती थी, इसीलिए शुरुआत में उन्हें डायलॉग्स बोलने और याद रखने में काफ़ी दिक्कतें हुईं। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर गौतम मेनन ने सामांथा की काफ़ी मदद की, जिससे कि शूटिंग बहुत ही कम समय में पूरी हो गई। और चूंकि यह सामांथा के करियर की पहली फिल्म रिलीज होने वाली थी, इसीलिए इसका हिट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था। और फिर मूवी थिएटर में आने के बाद से उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ी हिट साबित हो गई और सामांथा को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए फीमेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। और दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड में भी सामांथा की इस फिल्म का रीमेक साल 2012 में एक दीवाना था नाम से बनाया गया और इस मूवी ने भी लोगों को खूब भाया था। अब इस पहले ही फिल्म के सुपरहिट हो जाने के बाद से सामांथा को बड़े बड़े एक्टर्स के अपोजिट काम मिलना शुरू हो गया और वह NTR जूनियर और महेश बाबू जैसे साउथ के सुपरस्टार्स के साथ वृंदावनम और डुकुडू नाम की दो फिल्मों में नजर आईं। और ये फिल्में भी उनकी पहली फिल्म की तरह ही सुपरहिट साबित हुई थी। अब यूं तो सामांथा एक कमाल की एक्ट्रेस बन चुकी थी, लेकिन उन्हें उनके करियर की सबसे बड़ी कामयाबी साल 2012 में मिली। दरअसल साल 2012 में उनकी दो बड़ी फिल्में निथानेयन पोवा संथम और ईगा रिलीज हुई थी, जिसमें ईगा तो एक तेलुगु फिल्म थी जिसको हिंदी भाषा में मक्खी नाम से रिलीज किया गया था, जबकि निथानेयन पोवा संथम एक तमिल फिल्म थी। और यह दोनों ही फिल्में उनके करियर के उस समय की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी और इन दोनों ही फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। यानी एक साथ ही उन्होंने तमिल और तेलुगु दोनों फिल्म इंडस्ट्री की बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत लिया था और यह कारनामा करने वाली वह साउथ की पहली एक्ट्रेस बन गई। इस बड़ी कामयाबी को हासिल करने के बाद से वह एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी सुपरहिट तेलुगु फिल्मों में नजर आ चुकी हैं और आज सामांथा को साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेसेस में शुमार किया जाता है। और वहीं सामांथा के अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो आप में से ज़्यादातर लोग यह जानते ही होंगे कि सामांथा ने साल 2017 में तेलुगु सिनेमा के फेमस एक्टर नागा चैतन्य से शादी कर ली है। और आज की अगर बात करें तो सामांथा एक बेहद कामयाब एक्ट्रेस होने के साथ ही एक बहुत ही अच्छी इंसान भी हैं, क्योंकि वह समय समय पर ज़रूरतमंद लोगों के लिए डोनेशंस करती हुई भी नजर आई हैं। इसके अलावा वह प्रत्युषा सपोर्ट नाम का अपना एक NGO भी चलाती हैं, जिसके जरिए वह ज़रूरतमंद महिलाओं और छोटे बच्चों की हर प्रकार से मदद करती हैं। साथ ही बताया जाता है कि ब्रांड प्रमोशंस के जरिए वह जितना भी पैसा कमाती हैं वो सारा पैसा उनके NGO को दान कर दिया जाता है, जिससे कि पता लगता है कि वह दूसरे लोगों की भी काफ़ी परवाह करती हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी साउथ की सबसे बड़ी एक्ट्रेसेस में शुमार की जाने वाली सामांथा अकिनेनी की। लेकिन दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं टॉप 10 मोस्ट एजुकेटेड एक्ट्रेसेस के बारे में तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिंड मिल जाएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।